हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट। ओके, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डेफिनेशन डिस्कस की थी कि काउंटेबल सेट और अनकाउंटेबल सेट क्या होता है। तो काउंटेबल सेट फॉर एग्जांपल सेट ऑफ इवन नंबर क्या था आपका, 0, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, ये क्या आपका सेट ऑफ इवन नंबर्स। तो बेसिकली काउंटेबल सेट का मतलब काउंटेबली इनफाइनाइट सेट। तो काउंटेबली इनफाइनाइट सेट का मतलब क्या, सपोज दैट आपका एक नेचुरल नंबर है, इसके सेट से 1-to-1 मैपिंग अगर हो जा रही किसी भी सेट की, तो वो क्या हो जाएगा आपका काउंटेबली इनफाइनाइट सेट, जिसको काउंटेबल सेट कहते हैं। ओके, तो 1-to-1 मैपिंग का मतलब ये है कि फोर्थ, यानी अगर इसको एक तरीके से इंडेक्स माना जाएगी, ये फर्स्ट इंडेक्स है, सेकेंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, फोर्थ इंडेक्स, फाइव इंडेक्स, फिफ्थ इंडेक्स। ओके, तो फोर्थ इंडेक्स पे वैल्यू क्या होगी, 1, 2, 3 एंड 4, यानी वैल्यू क्या होगी, 6। तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे ही सेट ऑफ अगर ऑड नंबर है, तो दैट मीन्स इसकी मैपिंग क्या होती थी, 1 की 0 से, 2 की 2 से, 3 की 4 से, 4 की 6 से, 5 की 8 से, ये लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस किए हुए हैं। ऐसे ही ऑड नंबर था, ऑड नंबर क्या हो जाएगा आपका 1, 3, 5, 7 एंड 9 एंड सो ऑन। ओके, तो इसकी मैपिंग 1 से 1 की हो जाएगी, 2 से 3 की हो जाएगी, 3 की 5 से, 4 की 7, 5 की 9 एंड सो ऑन। ओके, ठीक है, और आपका 1-to-1 मैपिंग हो जा रही, तो इसका मतलब जो है इवन नंबर का सेट या ऑड नंबर का सेट वो क्या आपका काउंटेबली इनफाइनाइट सेट। ओके, और एक क्वेश्चन और डिस्कस किए थे, सेट ऑफ रियल नंबर। सपोज दैट सेट ऑफ रियल नंबर का मतलब क्या है, 1 एंड 2, देन 2 एंड 3, 3 एंड 4। तो इसकी 1-to-1 मैपिंग क्यों नहीं हो रही थी, क्योंकि 1 और 2 के बीच में ही क्या होगा आपका इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, तो इसकी मैपिंग 1 और 2 के बीच में ही आपकी ख़त्म हो जाएगी। ओके, इसके बाद जो होगा आपका 2 से 3 के बीच में जो भी नंबर्स होंगे उसकी मैपिंग के लिए नंबर्स ही, यानी नेचुरल नंबर जो है होंगे ही नहीं, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, अनकाउंटेबली इनफाइनाइट सेट। ओके, तो अब अगर कोई कहे कि सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स नंबर, तो इंटीजर्स क्या होता है आपका, इंटीजर्स दैट मीन्स 0 और 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, और इधर क्या होता है -1, -2, -3 एंड सो ऑन। ओके, तो अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये क्या काउंटेबली इनफाइनाइट है या अनकाउंटेबली इनफाइनाइट सेट है, इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसका मतलब ये काउंटेबली इनफाइनाइट कब होगा, दैट मीन्स काउंटेबल कब होगा, जब इसकी नेचुरल नंबर से 1-to-1 मैपिंग होगी। लेकिन दिखने से हमें ये लग रहा है कि क्योंकि स्टार्टिंग कहाँ से करें, क्योंकि ये कहाँ तक जा रहा आपका माइनस इन्फिनिटी, ये कहाँ जाएगा आपका प्लस इन्फिनिटी। ओके, तो दैट मीन्स ये जो है माइनस माइनस होते हैं, माइनस इन्फिनिटी की तरह जा रहा है, और ये क्या कर रहा है प्लस इन्फिनिटी की तरह जा रहा है। तो दैट मीन्स स्टार्टिंग कहाँ से, यानी मैपिंग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, ये प्रॉब्लम होगी। तो इसको किस तरीके से मैपिंग करेंगे वो देखते हैं। ओके, तो सिंपली क्या करेंगे, इसको इस सेट को इस तरीके से अरेंज करेंगे या इस तरीके से इसको लिखेंगे कि इसकी नेचुरल नंबर से 1-to-1 मैपिंग हो जाए। वो कैसे लिखेंगे, तो अगर सपोज दैट 0 से स्टार्ट किया, ओके, सपोज दैट ये आपका क्या है इंटीजर, तो इंटीजर को कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सेट लिख रहे हैं जेड, और ये क्या आपका नेचुरल नंबर। तो इस 0 की क्या किए, 1 से मैपिंग करा दिया। ओके, दैट मीन ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन। ओके, ये आपका नेचुरल नंबर। तो इसको हम इस तरीके से अरेंज करें कि जो भी आपका नेचुरल नंबर हो वो सारा इस सेट में आ जाए, और इसकी 1-to-1 मैपिंग अगर हो जाए तो इसका मतलब सेट ऑफ ऑल इंटीजर क्या हो जाएगा आपका काउंटेबली इनफाइनाइट सेट। तो दैट मीन्स हमने फर्स्ट पोजीशन पे क्या रखा, यानी फर्स्ट इंडेक्स पे इसकी वैल्यू कितनी होगी 0, उसके बाद क्या लिखा 1, तो दैट मीन्स इसकी क्या की मैपिंग 2 से करा दी। फिर यानी एक तरफ क्या करा, एक तरफ इधर गए, ये 0 से 1 लिया, अब क्या करेंगे वापस आएंगे और -1 को नेक्स्ट एलिमेंट रखेंगे, यानी दैट मीन्स 1, नेक्स्ट -1, देन +2, देन -2, देन 3, -3, 4, और ये सपोज 9 है आपका -4 एंड सो ऑन। ओके, तो दैट मीन्स क्या हो रहा है यहाँ पे, इंडेक्स 1 पे इसकी वैल्यू कितनी है 0, इंडेक्स 2 पे इसकी वैल्यू कितनी है 1, इंडेक्स 3 पे इसकी वैल्यू कितनी है -1, इंडेक्स 4 पे 2, फिफ्थ पे क्या -2, इसकी क्या हो रही है 1-to-1 मैपिंग हो जा रही है। सिंपली अगर इसको देखें तो यानी ये आपका सेट क्या है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स नंबर। ओके, तो इंटीजर नंबर हम किस तरीके से लिखते हैं, दैट मीन्स ये क्या होता है आपका मिड पॉइंट एक तरीके से, दैट मीन्स 0 होता और इसके राइट में क्या होता है 1-1 ऐड करते जाते हैं, वो क्या होता है आपका पॉजिटिव, और इससे पहले जितने भी होते हैं नेगेटिव। लेकिन अगर इसको डायरेक्टली 1-to-1 मैपिंग कराएंगे तो ये पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें इसका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता और इधर इसका एंडिंग पॉइंट, तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे। तो स्टार्टिंग में हमने क्या किया है कि स्टार्टिंग कर दी 0 से और 0 को मैप कर दिया नेचुरल नंबर 1 से। ओके,
और नेक्स्ट क्या किया ने? अब इस पे क्या करना है, इसके बाद जो एलिमेंट है उसको लेंगे और उसके बाद फिर जीरो के लेफ्ट में कौन सा है, तो नेक्स्ट एलिमेंट क्या ले लिए, वन, उसके बाद माइनस वन, देन टू, देन माइनस टू, देन थ्री, देन माइनस थ्री, फोर, माइनस फोर, फाइव, माइनस फाइव, सिक्स, माइनस सिक्स। तो इससे क्या होगा, ये कलेक्टिवली एक सेट में आपका आ जाएगा और इसकी वन टू वन मैपिंग हो जाएगी। तो फाइव की मैपिंग किससे हो जाएगी, माइनस टू से, सिक्स की थ्री से, और सेवन की माइनस थ्री से, एट की फोर से, और नाइन की माइनस फोर से। तो दैट मीन्स अगर आपको कोई भी एक इंडेक्स नेचुरल नंबर के दिया कि नाइन्थ इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका, माइनस फोर। तो हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स नंबर है, दैट मीन्स वो आपका पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, यानी कलेक्टिवली इंटीजर नंबर, तो वो क्या हो रहा, वन टू वन मैपिंग हो जा रही, इसलिए सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स आर काउंटेबली इनफाइनाइट सेट। ओके, तो दैट मीन्स काउंटेबली इनफाइनाइट सेट का मतलब क्या है कि सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स आर काउंटेबल। ओके, तो ये था आपका एक बेसिक प्रॉब्लम। अभी इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे अपकमिंग वीडियोस में। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन, बाकी ये इवन नंबर, ऑड नंबर, सिंपल सा था, रियल नंबर। हाँ, एक चीज़ और है कि जैसे यहाँ दिया हुआ है कि रियल नंबर, ओके, तो रियल नंबर को हमने चेक किया तो क्या आ रहा था आपका, अनकाउंटेबली इनफाइनाइट। लेकिन हम इसको कैसे चेक करेंगे, जैसे यहाँ दिखने में हमें लग रहा था कि सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, क्योंकि इस जिस तरीके से आपका अरेंज है, तो अगर इसको हम देखेंगे तो देखने से पता नहीं चलेगा कि ये आपका क्या है, काउंटेबल है या नहीं है। ओके, क्योंकि अगर सिंपली अगर इसको डायरेक्टली अगर इसको इंप्लीमेंट करते, यानी चेक करते, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता और एंडिंग पॉइंट, हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, ये तो एक तरीके से इस तरीके से लिख दिया गया तो इसके वन टू वन मैपिंग हो जाएगी। लेकिन हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई भी आपका सेट, कोई भी सेट दिया हुआ सेट ऑफ रियल नंबर्स, या बहुत सारे क्वेश्चन अभी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से अनकाउंटेबली इनफाइनाइट होते हैं, तो उसको कैसे हम प्रूफ करेंगे कि वो अनकाउंटेबली इनफाइनाइट होते हैं। तो इसके लिए एक मेथड होता है, डायगनलाइजेशन मेथड। ओके, तो डायगनलाइजेशन मेथड होता है, उससे हम प्रूफ कर सकते हैं कि कोई भी आपका गिवन सेट है वो अनकाउंटेबली इनफाइनाइट। अभी हम लोग ये बाद में डिस्कस करेंगे डायगनलाइजेशन मेथड से किस तरीके से प्रूफ करते हैं कि कौन सा सेट जो है वो आपका अनकाउंटेबली इनफाइनाइट है। ओके, तो ये था आपका सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, तो जो हम लोगों को देखने में यहाँ से पता चली गया कि इसकी वन टू वन मैपिंग हो जा रही है, इसलिए क्या हो जाएगा आपका, काउंटेबली इनफाइनाइट से, दैट मीन्स काउंटेबल। ओके।